नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और आज की हमारी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात गौरव यात्रा में हिस्सा लिया और विकास के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। इससे पहले वो अमेठी जाकर भी राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं। विकास के मुद्दे पर योगी का दावा अपनी जगह, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी को गुजरात में स्टार प्रचारक बनाकर बीजेपी आखिर क्या हासिल करना चाहती है। गुजरात दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए उसी विकास के मुद्दे को चुना जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी सरकार पर हमले कर रहे हैं। 14 वर्षों में भी राहुल गांधी ने कभी अमेठी के अंदर कलेक्ट्रेट को बनाने यानी जिला मुख्यालय के निर्माण की कभी सुध नहीं ली। जो अपने संसदीय क्षेत्र में अपने जिले में कलेक्ट्रेट की नींव नहीं रख सकता, आप उससे उम्मीद करते हैं वे गुजरात के विकास की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान की खबर मिलते ही कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले योगी का गुजरात में क्या काम। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपशुकन बन गए हैं। आदित्यनाथ जी शासन चलाने की बजाय केवल भाषण में विश्वास रखते हैं। जो मुख्यमंत्री केवल विभाजन, नफरत और बंटवारे की भाषा बोलता हो बजाय जोड़ने और बनाने के, उससे इससे अच्छी भाषा या शैली की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी ने योगी को चुनाव के दौरान भी स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिस गुजरात में विकास चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले योगी को बीजेपी मैदान में क्यों उतार रही है। हिंदू कार्ड खेल रहे हैं तो उसमें वो खेलेंगे। योगी मैं मानता हूँ कि योगी के यहाँ आने से कोई ज्यादा मैं नहीं फर्क समझता हूँ। योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई का नाम था महंत गुलाबनाथ, जो गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उनका नाम था गुल मोहम्मद पठान। गुलाबनाथ गुजरात के विसनगर में नाथ संप्रदाय के महंत थे और योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो भी महंत अवैधनाथ को अपना गुरु मानते थे। नहीं, मेरी दृष्टि से इस बार बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का जंग है और मैं समझता हूँ कि बाय हुक और क्रुक बीजेपी वुड लाइक टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट गांधीनगर इन दिसंबर 2017। यहाँ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत द्वारकाधीश से आशीर्वाद लेकर की है और वो अपने हर दौरे में मंदिर जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलने का मन बना रही है, जिसका जवाब बीजेपी उग्र हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से दे सकती है। योगी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ गुजरात का मुस्लिम मुद्दा चुनावी फिजा में गूंजने लगा है। गुजरात में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 58,47,000 है, जो गुजरात की कुल आबादी का करीब 9.67% है। राज्य की 182 सीटों में से 36 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 15% से ज्यादा है। 2007 में वहां कांग्रेस के 5 मुस्लिम विधायक थे, लेकिन मौजूदा विधानसभा में केवल 2 मुस्लिम विधायक हैं जो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए हैं। लोकसभा में गुजरात से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। राज्यसभा में अहमद पटेल कांग्रेस के टिकट पर कुछ ही दिनों पहले सांसद चुने गए हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 21वीं शताब्दी का गुजरात का ये पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी की सीधी कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है। उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले अमित शाह के कंधों पर अब राष्ट्रीय बीजेपी की जिम्मेदारी है, लिहाजा वो पहले की तरह गुजरात को समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को योगी आदित्यनाथ जैसे नए चेहरों की जरूरत महसूस हो रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।